इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कल तक एसबीआई को डेटा उपलब्ध कराना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमने पहले ही एसबीआई को आंकड़ा जुटाने के लिए कहा था और उस पर अमल किया गया होगा, फिर क्या समस्या आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की तरफ से हरीश सालवे ने दिया दलील, कोर्ट से ब्यौरा देने के लिए और अधिक समय की मांग की थी। हरीश सालवे ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की तारीख और खरीदने वाले का नाम एक साथ उपलब्ध नहीं, डीकोड करने में समय लगेगा। चुनावी बॉन्ड मामले में कोर्ट ने जानकारी देने के लिए एसबीआई को 6 मार्च तक का वक्त दिया था, जिस पर एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। लोकसभा चुनाव में दूसरी लिस्ट के प्रत्याशियों पर मंथन करेगी बीजेपी, आज शाम 6 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। सूत्रों के मुताबिक दूसरी लिस्ट में कम से कम 150 उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। दूसरी लिस्ट में यूपी और दिल्ली की बची सीटों के अलावा उत्तराखंड के उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल होंगे। बैठक में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और बिहार से सहयोगी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा की जा सकती है और उसी बंटवारे के आधार पर दूसरी सूची जारी की जाएगी। आज की बैठक के बाद प्रत्याशियों के नाम पर लगेगी फाइनल मुहर, अगले एक दो दिन में आ सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। बीजेपी के अलावा कांग्रेस चुनाव समिति की भी आज बड़ी बैठक है, दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। सीसी की दूसरी बैठक शाम 6 बजे होगी और इसकी अध्यक्षता पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों ही हिस्सा लेंगे। बैठक में कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली और एमपी पर चर्चा होगी। कांग्रेस की बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर 3 बजे विशेष प्रेस वार्ता बुलाई गई है। पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब में भी टूटा इंडिया गठबंधन। पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से नहीं होगा गठबंधन। झारखंड में भी इंडिया गठबंधन में बिखराव, सीपीआई ने राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। मुंबई में लोकसभा सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में बढ़ी खींचतान, सीट शेयरिंग तय होने से पहले ही उद्धव ठाकरे ने उत्तर पश्चिम सीट से अमोल कीर्तिकर को बनाया प्रत्याशी। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच फिर गठबंधन की संभावना, 2019 में अकाली दल ने एनडीए में रहकर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दलों के बीच बयानबाजी का दौर शुरू, टीएमसी की लिस्ट पर बीजेपी ने तंज कसा, कहा ज्यादातर उम्मीदवार राज्य के बाहर से। बीजेपी नेता एन रामचंद्र राव ने कहा, राज्य में टीएमसी को चुनाव में जनता सिखाएगी सबक, टीएमसी बहुत बुरी तरह हारने वाली है। रामचंद्र राव ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, राज्य सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी को रोकने की कोशिश की, मानवाधिकार आयोग, महिला अधिकार आयोग और बीजेपी नेताओं को रोका गया। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसके बाद से तमाम सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के संविधान बदलने वाले बयान से बीजेपी ने किराना किया, बीजेपी ने अनंत हेगड़े से जवाब मांगा। कर्नाटक से सांसद अनंत हेगड़े के विवादित बयान से नाराज बीजेपी, अनंत हेगड़े ने कहा था संविधान संशोधन की बात, सांसद अनंत हेगड़े को बीजेपी ने तलब किया। अनंत हेगड़े के बयान पर सियासत तेज, राहुल गांधी ने कहा 400 सीट जीतने के आह्वान की असली मंशा धीरे धीरे सामने आ रही है। चंद्रशेखर आजाद ने एक एक्सपोस्ट में लिखा, संविधान बदलना भाजपा और आरएसएस की पुरानी मंशा रही है। चंद्रशेखर ने पीएम की तुलना हिटलर से की, लिखा लोकतंत्र की दुहाई लेकर ही हिटलर सत्ता में आया था, संविधान खत्म करने की बात तानाशाही के 10 साल के शासन को खत्म कर देगी। लोकसभा चुनाव के लिए आज पंजाब में अपना कैंपेन लॉन्च कर रही है आम आदमी पार्टी, थोड़ी ही देर में मोहाली में सीएम केजरीवाल और सीएम मान भरेंगे हुंकार। पंजाब के लिए आपका नया नारा होगा, संसद में भी भगवंत मान, खुशहाल पंजाब की बढ़ेगी शान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज एक दिन का ब्रेक, 12 मार्च को दोपहर 2 बजे शुरू होगी यात्रा। 12 मार्च को कांग्रेस का आदिवासी सम्मेलन होगा, 13 मार्च को धुले में महिला अधिवेशन, पार्टी अध्यक्ष खड़गे भी करेंगे शिरकत। चुनाव आयोग के 2 आयुक्त के खाली पड़े पदों को लेकर 15 मार्च को अहम मीटिंग, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले पैनल की 6 बजे होगी मीटिंग। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दायर, सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस नेता जया ठाकुर। याचिका में लिखा गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने से सरकार को रोकें, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए लाए गए कानून के खिलाफ लंबित है सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है पीएम के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय समिति द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाई जाए।
आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज सभी पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करेगा चुनाव आयोग। दिल्ली में मीटिंग के बाद 2000 पर्यवेक्षकों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में भेजा जाएगा। नई दिल्ली में पीएम सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदियों को किया गया सम्मानित। कहा, कोई भी देश या समाज में नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकता है। पीएम ने कहा, आज 10,000 करोड़ रुपए की राशि दीदियों के खाते में डाली गई। पीएम ने कहा, महिलाओं को थोड़ा अवसर सहारा मिल जाए तो उन्हें सहारे की जरूरत नहीं। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, देश की हर महिला को ये विश्वास दिलाता है कि हमारा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। देश की हर माता बहन बेटी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। पीएम ने कहा, जब भी मैंने महिला सशक्तिकरण की बात की, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा मजाक उड़ाया और मेरा अपमान किया। पीएम मोदी आज द्वारका एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम खंड का उद्घाटन करेंगे। 1,00,000 करोड़ की लागत वाली परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात को सुचारू करने, भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। गुड़गांव में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। हिमाचल प्रदेश में किरतपुर नेरचौक फोर लेन हाईवे का वर्चुअल लोकार्पण होगा। 69 किलोमीटर लंबे फोर लेन को बनाने में 4,759 करोड़ रुपए खर्च हुए। शरद पवार ने जांच एजेंसियों को लेकर उठाए सवाल। कहा, विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसी का इतना दुरुपयोग पहले कभी नहीं देखा। पवार ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया। बारामती लोकसभा सीट से बेटी सुप्रिया सुले को उम्मीदवार घोषित किया। महाविकास अघाड़ी के जरिए आयोजित एक रैली के दौरान शरद पवार ने सुप्रिया के नाम की घोषणा की। हिसार में हैरान करने वाली हत्या की वारदात। लुवास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर संदीप गोयल ने अपनी 8 साल की बच्ची की हत्या की। हत्या के बाद प्रोफेसर ने सुसाइड किया। अपनी बेटी को घुमाने के बहाने यूनिवर्सिटी कैंपस में ले गया प्रोफेसर, फिर सर्जिकल ब्लेड से बच्ची का कत्ल किया और फिर सर्जिकल ब्लेड से ही अपना भी गला काटा। यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 शव मिलने के बाद हड़कंप मचा। पुलिस के मुताबिक डिप्रेशन का मरीज था प्रोफेसर। मौत के बाद मिले सुसाइड नोट की जांच की जा रही है। गुजरात सरकार ने कच्छ के 3 मदरसों पर बुलडोजर चलाया। अवैध रूप से सरकारी जमीन पर हुआ था निर्माण। कच्छ बॉर्डर के गांवों में 3 मदरसों को अवैध तरीके से बनाया गया था, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सर्वे में यह पाया गया कि ये तीनों मदरसे बिना किसी परमिशन के सरकारी जमीन पर खड़े किए गए। कच्छ में पिछले 2 दिनों से अवैध निर्माण करने वालों पर एक्शन लिया जा रहा। बुलडोजर अभियान के तहत कई दुकानों घरों को भी हटाया गया। कूनो नेशनल पार्क में लगातार चीतों की मौत के बाद गुड न्यूज आई। कूनो नेशनल पार्क में चीता गामिनी ने 5 शावकों को जन्म दिया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 शावकों का वीडियो साझा किया। भूपेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए लिखा, भारत में अब तक 13 शावकों का जन्म हुआ। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी टीम पर हमले के मुख्य आरोपी शारजा शेख की सीबीआई कस्टडी 4 दिन बढ़ी। यूपी के बरेली में 2010 में हुए दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा की सरगर्मी से तलाश। आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा के खिलाफ समन जारी। दिल्ली जल बोर्ड प्लांट में 40 फुट गहरे बोरवेल में गिरे शख्स की मौत। 14 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली में जब्त वाहनों का दस्तावेज 3 हफ्तों में जमा करना होगा। ट्रांसपोर्ट विभाग के मुताबिक ऐसा नहीं करने पर वाहन स्क्रैप में भेज दिए जाएंगे। अलीगढ़ में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखा रघुवीरपुरी सेवा केंद्र द्वारा संस्था के 88वें स्थापना वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर दिल्ली से रवाना हुई। राष्ट्रपति 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। जेएनयू में 4 साल बाद छात्र संघ चुनाव का ऐलान। 22 मार्च को डाले जाएंगे वोट, 24 मार्च को नतीजे। छत्तीसगढ़ में मेहतारी वंदन योजना का शुभारंभ। योजना के तहत 70,00,000 से ज्यादा विवाहित महिलाओं के खातों में 1,000 रुपये हर महीने आएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ। राजधानी दिल्ली में आज से 5 दिवसीय साहित्य उत्सव का आयोजन। साहित्य जगत के 1100 लेखक विद्वानों के साथ 175 भाषाविद कर रहे हैं शिरकत।